पुष्कर के रामधाम तिराहे पर स्थित गांधी जी की मूर्ति पर गांधी जयंती के पावन अवसर पर ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान की ओर से साफ सफाई की गई एवं गांधी जी की मूर्ति को स्नान कराकर साफ किया गया। इस दौरान ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान के सचिव वेद प्रभा निमरानिया, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, संस्थान के सदस्य कविता पाराशर, संस्थान के दिव्यांग बच्चे भी उपस्थित रहे। संस्थान के उपाचार्य प्रीतम ओझा ने बताया कि प्रातः 8:30 बजे दिव्यांग बच्चों के साथ गांधी जी से प्रेरित गीत, भजन एवं कविताएं सुनवाई गई। साथ ही गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री के बलिदान को बच्चों को बताया गया। गांधी जी को सूत की माला एवं पुष्पों की माला पहनाकर उनका माल्यार्पण किया गया। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़, देखते रहिए हमारा चैनल। पुष्कर की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें ज़रूर सूचित करें। हमारे मोबाइल नंबर 9928586309 है। भारतवर्ष की बगिया में दो फूल खिले थे। एक थे सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने अमन और शांति का संदेश दिया। हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, पर एक जिन्होंने जय जवान और जय किसान और गर्व से जीने का संदेश दिया, हमारे लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनका आज जन्मदिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हम बापू की प्रतिमा के सामने, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान, जो दिव्यांग बच्चों की स्कूल है और उसका शाला परिवार, हमने आज सबने मिलके बापू को जन्मदिन पे स्नान करवाया है, उन्हें सूत की माला पहनाई है, उन्हें फूलों से सजाया है और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी पिलाया है। और आज जो हम संदेश देना चाहते हैं कि बापू ने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से, सत्य और अहिंसा के रास्ते अपनाकर हमें आज़ादी दिलवाई थी, और आज हम